आज हम आपको भारत के उस दिग्गज बल्लेबाज के बारे में बता रहे हैं जो भारतीय टीम में जगह पाने के इंतजार में बूढ़ा हो चुका है, लेकिन इस खिलाड़ी के बले से आज भी रनों की बौछार हो रही है। इस खिलाड़ी को हमेशा ही भारतीय टीम में जगह मिलने का इंतजार रहा, लेकिन टीम में जगह न मिलने पर इस खिलाड़ी ने अपना समय नहीं बर्बाद किया बल्कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 53 शतक जड़ डाले। ये खिलाड़ी मुंबई की रणजी टीम के पूर्व कप्तान वसीम जाफर हैं। वसीम जाफर ने 16 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू के बाद अपने दूसरे मैच में 13 शतक जड़ दिया था, जिसके बाद से लोगों को वसीम जाफर के भारतीय टीम में जाने का इंतजार था। लेकिन वसीम जाफर को अपना पहला मैच काफी समय के बाद 2000 में खेलने को मिला। संयोग से वसीम जाफर अपने पहले मैच में बड़ी पारी नहीं खेल सके, जिसके बाद उन्हें 2 सालों के लिए भारतीय टीम से बाहर कर दिया। इस दौरान वसीम जाफर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शतकों का सिलसिला जारी रखा। वसीम जाफर को जब दोबारा भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार पारियां खेलने के बाद वेस्ट इंडीज की धरती पर दोहरा शतक जड़ दिया था। हालांकि इसके बाद भी वसीम जाफर को ज्यादा समय तक टीम में खेलने का मौका नहीं मिला और वो टीम से बाहर हो गए। टीम से बाहर होने के बाद वसीम जाफर को टीम में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय टीम में उनकी वापसी नहीं हो सकी। वसीम जाफर अपनी कप्तानी में मुंबई की ओर से 8 रणजी ट्रॉफी जीत चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने विदर्भ की टीम की कमान को संभालते हुए विदर्भ को ईरानी ट्रॉफी का खिताब जिता दिया। वसीम जाफर अब 40 साल के हो चुके हैं, इसके साथ ही वो टीम में वापसी की उम्मीद भी खो चुके हैं, लेकिन उनके बले से शतकों का सिलसिला अब भी जारी है। 40 साल की उम्र होने के बावजूद कुछ ही समय पहले वसीम जाफर ने ईरानी कप में 286 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली थी। आपकी इस भारत के बेहतरीन खिलाड़ी के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट द्वारा अपने सुझाव जरूर दें।